हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगाज क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी से लेके आया हूँ, सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा संज्ञा के बारे में, संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ा, संज्ञा को जाना, संज्ञा के बारे में डिटेल से पढ़ा और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। आज सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सर्वनाम। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गोगाज क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें। चलो शुरुआत करते हैं सर्वनाम। तो दोस्तों, सर्वनाम, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द होता है सर्व, दूसरा शब्द होता है क्या? नाम। क्या होता है दोस्तों? नाम। सर्व का अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सबका या सभी का। क्या? सबका या सभी का। क्या होता है दोस्तों? सबका या सभी का। तो दोस्तों, सबका या सभी का, नाम का क्या होगा? नाम। तो सबका या सभी का जो नाम, जो सबके या सभी के नाम के पहले, जो सबके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कोई स्थान, वस्तु या क्या व्यक्ति, इसके सबके स्थान पे, इनके स्थान पर जिसका नाम प्रयुक्त किया जाता है, कोई शब्द प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो हमारा इससे परिभाषा क्या निकली कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों? सर्वनाम। सर्व मतलब सभी या सबका नाम, सभी या सबके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, किसके संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा को हमने पिछली क्लास में अच्छे से जाना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बात की जाए तो एवरीथिंग इज नाउन, प्रत्येक जो वस्तु का क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो दोस्तों देखते हैं संज्ञा। अब देखो दोस्तों, संज्ञा के बारे में जाना, अब देखते देखो दोस्तों इसका उदाहरण। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का है। देखो तो मोहन यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। क्योंकि मैंने क्या बताया था पहली क्लास में कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, तो यहाँ पे मोहन क्या है? व्यक्ति है। तो यह क्या है? यहाँ पे संज्ञा है दोस्तों। क्या है? संज्ञा। अब देखो, मोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ तक। अब इसे आगे आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि वह होशियार है, मतलब इंटेलिजेंट, वह होशियार है। तो कौन होशियार है दोस्तों? किसकी बात कर रहे हैं हम? मोहन की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? मोहन की। कि मोहन की बात कर रहे हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है और वह होशियार है। क्या है? होशियार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्या मोहन क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर अब क्या मोहन के नाम पे स्थान पर क्या प्रयुक्त कर दिया गया? हमने क्या प्रयुक्त किया? वह प्रयुक्त कर दिया। क्या कर दिया? वह प्रयुक्त कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या होगा? सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम। यही अपनी परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम। तो देखो यहाँ पर मोहन अपना क्या था? संज्ञा था। और संज्ञा के स्थान पर क्या आया? वह आ गया। यह क्या अपना? सर्वनाम है। ठीक है, मोहन की बात कर रहे हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है और वह होशियार भी है। ठीक है, इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों यह क्या थी? संज्ञा की डेफिनेशन। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। क्या देखते हैं दोस्तों? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है?
सॉरी दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के होते हैं। पहले छह के नाम लिखते हैं, ठीक है। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं देखते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा, अच्छा दोस्तों देखो साथ में देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। यही साथ में देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के। पहला उत्तम पुरुष, क्या दोस्तों? उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है दोस्तों अन्य पुरुष। क्या दोस्तों? अन्य पुरुष। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम पहला क्या था अपना? सर्वनाम का प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबके बारे में आगे एक एक से पढ़ेंगे। पहले इसमें जान लेते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष दोस्तों यही बता देता हूँ, मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ उसके बारे में। उत्तम पुरुष जैसे मैं हूँ, मैं किसी बात को आपसे कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन हूँ? उत्तम हुआ। क्या हूँ मैं? जो कथन को कहने वाला होता है, जो कथन को कहने वाला यह होता है, या जो वक्ता स्वयं होता है, वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? मैं, हम। क्या आएगा? मैं, हम। और दोस्तों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होगा? आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो। तो जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, या जिससे बोला जाता है, आप मेरी बात को सुन रहे हो और मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष में आए। कौन से में आएंगे? मध्यम पुरुष में। तो दोस्तों क्या होगा इसमें? तुम, आप। ठीक है दोस्तों, तुम, आप। तीसरा होता है दोस्तों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, हम, मैं और आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह क्या होगा? अन्य पुरुष। जिसके अन्य मतलब किसी अन्य के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे कहने वाला, कौन हुआ? उत्तम पुरुष। आप सुनने वाले, आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम, मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हो, हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों वो तीसरा पर्सन जो होगा, जो अन्य होगा, वो क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। क्या होगा? अन्य पुरुष। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? वह, क्या आ जाएगा? वह, वे, वह, वे, ठीक है, उसका, वह, वे, उसका, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे दोस्तों? अन्य पुरुष में आ जाएंगे। कौन से में आ जाएंगे? अन्य पुरुष। अब नेक्स्ट प्रकार देखते हैं दोस्तों इसका, कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? निश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। कितना? निश्चयवाचक सर्वनाम। और देखो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम भी दो तरीके से, देखो कैसे। एक तो आएगा किसके लिए? पास की वस्तुओं के लिए, पास के लिए। और एक होगा दोस्तों किसके लिए? दूर के लिए। किसके लिए? दूर के लिए दोस्तों, पास के लिए। जैसे पास के लिए, जैसे बात करें कि यह है और ये, क्या यह है और यह, ये, यह मेरा पेन है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी गाड़ी है। तो क्या होगा दोस्तों? ये पास के लिए बात कर रहे हैं कि यह पास में रखी, इसे बता दिया यह। और दूर की बात करेंगे तो वे मेरे पिताजी हैं। क्या है? वे मेरे पिताजी हैं। वह मेरा मकान है। क्या है? वह मेरा मकान है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आप कहीं थोड़े अपने मकान से दूर खड़े हो, ठीक है, और आप उससे बात कर रहे हो, वो पूछ रहा है कि आपका मकान कहाँ है, तो आप क्या कहते हो? इशारा करके, थोड़ा दूर मकान होने के कारण आप क्या कहते हो? वह मेरा मकान है। क्या दोस्तों? वह मेरा मकान है, ठीक है, इस तरीके से। और निश्चित है कि वह आपका ही मकान है। क्या है? निश्चित है कि यह वह आपका ही मकान है। आप अपने ही मकान को अपना बताओगे किसी और को? अपने किसी और के मकान को अपना नहीं बता सकते। अगर बताते हो तो वो एक गलत बात है, ठीक है, वरना आप अपने मकान को ही अपना बताओगे। आपको निश्चित है कि वह आपका ही मकान है, ठीक है। निश्चित, निश्चय मतलब निश्चित हो। अगर किसी सर्वनाम शब्द जो निश्चित होने का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनिश्चय वाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? अनिश्चय वाचक।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी दोस्तों दो प्रकार से होंगे, एक वस्तु के लिए, दूसरा होगा दोस्तों प्राणी के लिए, वस्तु के लिए और प्राणी के लिए। अगर वस्तु की बात की जाए तो दोस्तों क्या करेंगे, कुछ, क्या कुछ, जैसे कुछ किताब, कुछ किताब रखी है, ठीक है, कुछ किताब रखी है तो क्या है, वस्तु, अनिश्चित है, कुछ मतलब गिनती नहीं है उनकी, काम नहीं है कि कितनी है, पर कुछ तो है, ठीक है, तो क्या होगा कुछ। तो प्राणी जैसे कोई, जैसे बाहर कोई खड़ा है, क्या बाहर कोई आया है या वहां कोई खड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे, ये अनिश्चित होगा, क्योंकि पता नहीं कि कोई है। अगर जैसे पता होता मैं किसी का के मोहन है, ठीक है, मान चलो किसी का नाम मोहन और वो आया है, आप उसे जानते हो तो आप क्या कहते, वह मोहन खड़ा है, ठीक है। अगर आप उसे नहीं जानते हो, आप उस व्यक्ति से परिचित नहीं हो, तो क्या कहोगे, तो वहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित है, आपको पता नहीं है, आप उसे नहीं जानते हो, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है दोस्तों। तीन हो गए और चौथा देखते हैं अपना, चौथा होता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों, वे शब्द जो हमें किसी कथनक प्रश्न के होने का बोध कराते हैं, जैसे प्रश्न के होने का शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे वे शब्द होते हैं कौन, क्या दोस्तों, कौन, कब, कहां, कैसे, किसको, किसलिए, कौन, कब, कहां, कैसे, किसके लिए, और भी ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों, आ लगा सकते हैं, और भी ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, जैसे वह कौन है, वह कौन है, वह किसके लिए पुस्तक लाया है, वह किसके लिए पुस्तक लाया है, तो वह क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, क्वेश्चन करने का मतलब, प्रश्न करने का मतलब क्या होता है, पूछना किसी चीज के बारे में, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं क्या है, क्या आप पढ़ रहे हो कि नहीं, तो क्या यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, जिससे पता चल रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो क्या दोस्तों ये शब्द आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना निजवाचक सर्वनाम, कौन सा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम, कौन सा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम दोस्तों, निज, निज से आपको समझ में आ रहा होगा, निजी चीज, स्वयं के लिए, जो स्वतः हो, ठीक है, खुद हो, खुद के लिए हो, क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें देखो कौन कौन से शब्द आते हैं, स्वयं, अपने आप, क्या आता है, अपने आप, ठीक है, और आएगा इसमें खुद, क्या आएगा, खुद, और क्या आएगा दोस्तों, स्वतः, आप, ये शब्द किसमें आते हैं दोस्तों, इसमें आते हैं किसमें, निजवाचक सर्वनाम में, जो निज के लिए हो, जो खुद के लिए बात तो की रहे हो, किसमें, निजवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि लास्ट है, संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, वह शब्द जो संबंध दर्शाते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाते हैं, जैसे दोस्तों कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जैसी, वैसी, जिसकी, उसका, ठीक है, आज शब्द, और भी शब्द होते हैं दोस्तों ऐसे, तो यह क्या करते हैं, जैसे जो जो बोएगा वो सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा, मतलब जो आप बोओगे, जो बोए वही क्या करो, आपको काटने को मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते होंगे आपने पूछना होगा, तो दोस्तों क्या करते हैं, जैसी करनी, उसके करने का संबंध उसके भरने से, मतलब उसके उसको जो प्राप्त हो, जैसे उसने किया, उसको जैसे फल मिले, उससे वो क्या बता रहा है, संबंध दर्शा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं दोस्तों सबको डिटेल से जानते हैं, अब सीधा सीधा लिखना रहेगा, आपको मैं समझा दिया, कुछ नहीं, बस इसके बारे में आपको लिखना है कि यह कैसे, उसकी परिभाषा कैसे होंगी, ठीक है दोस्तों। तो सबको एक एक से देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम को, क्या दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम को देखेंगे सबसे पहले, पुरुषवाचक सर्वनाम,
पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखा दोस्तों। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो जो किसी स्त्री या जो सर्वनाम शब्द किसी स्त्री या पुरुष दोनों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष दोनों के कथन को कहने सुनने तथा अन्य के बारे में बात करने का बोध कराते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष, क्या स्त्री या पुरुष या कह सकते हैं प्राणी के दोनों के कथन के कहने का सुनने का और किसी अन्य के बारे में बात करने का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसके तीन भेद बताए थे हमने, इसके तीन प्रकार होते हैं, भेद या प्रकार, इसके तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या था अपना, उत्तम पुरुष। क्या था? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो कथन के कहने वाले या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो कथन के कहने वाले, मैंने क्या बताया, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैंने कुछ क्या बताया था, खुद को लेके बताया था आपको एग्जांपल के तौर पर कि मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। मैं आपसे किसी चीज के बारे में, जैसे मैं सर्वनाम टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुष। मैं बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अगला देखेंगे मध्यम पुरुष में आएंगे, कौन, आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप कौन होंगे, मध्यम पुरुष में। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द जो कथन के कहने वाले या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें कौन कौन शब्द आते हैं, इसमें शब्द देखो दोस्तों कौन कौन से आएंगे, इसमें शब्द देखो दोस्तों, मैं, हम, क्या दोस्तों, मैं हम हमारा। ठीक है, मैं हम हमारा, मेरा हमें, क्या मेरा हमें। ठीक है दोस्तों, मैं हम हमारा मेरा हमें सब किसमें आएगा, इसमें आएगा उत्तम पुरुष में। किसमें? उत्तम पुरुष में। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कहने वाला हुआ तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आपको वहां जाना है, तो क्या कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कहने वाला हुआ कि आपको वहां जाना है, ठीक है, तो कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैं, मेरा वह मकान है। मैं खुद ही के बारे में बता रहा हूँ और अपने मकान के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा वह मकान है, तो यहाँ पे कौन हुआ, मेरा, मेरा कौन है, मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, तो मैं कहने वाला हूँ, आपसे किसी दूसरे पर्सन से कहूंगा, ठीक है, दूसरे व्यक्ति से कहूंगा, इसके बारे में खुद के बारे में कह रहा हूँ, तो क्या हुआ, यह उत्तम पुरुष होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना मध्यम पुरुष। क्या देखते हैं दोस्तों, मध्यम पुरुष देखेंगे, मध्यम पुरुष। दूसरा देखते हैं दोस्तों मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष।
मतलब बे सर्वनाम शब्द जो, बे सर्वनाम शब्द जो सुनने जो बे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले या सुनने वाले या जिससे बोला जा रहा है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द कौन से दोस्तों? वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले या जिससे बोला जाता है, बोला जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं कहने वाला उत्तम पुरुष, आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप सुनने वाले हो, आपसे मैं कह रहा हूँ, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए। क्या हुए दोस्तों? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों इसमें देखो क्या होता है, इसमें कौन कौन शब्द आते हैं, जैसे तुम, आप, आपका, तुम्हारा, आप, आपका, तुम्हारा, तुम, तेरा, क्या, तेरा, तुझको, तुझको, ठीक है दोस्तों, आपका, आपका, मैं, तुम, आप, आपका, तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुम्हें, ठीक है। आज शब्द आते हैं, जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आप क्या कर रहे हो, मैं कहने वाला, तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। आप क्या कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप सुनने वाले हो, ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष में आएंगे। कौन से में आएंगे? मध्यम पुरुष में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? तुम, आप, आपका, तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुम्हें। अब दोस्तों तीसरा पुरुष का अपना प्रकार है, कौन सा होता है? अन्य पुरुष दोस्तों। कौन सा होता है दोस्तों? अन्य पुरुष। कौन सा होता है दोस्तों? अन्य पुरुष। देखते हैं दोस्तों अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो क्या, किसी तीसरे, क्या, किसी तीसरे व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात होने का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी तीसरे, क्या दोस्तों? वे सर्वनाम शब्द जो किसी तीसरे के, क्या, तीसरे के बारे में बात होने का बोध कराते हैं। तीसरे के बारे में क्या होगा? बात होने का बोध कराते हैं। जैसे मैं अभी आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कहने वाला, तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप सुनने वाले हो, आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, और मैं किसी तीसरे के बारे में कह रहा हूँ, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन, तीसरे व्यक्ति के, तीसरे स्थान, तीसरी वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों वह क्या होगा? तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वह क्या होगा दोस्तों? अन्य पुरुष में आएगा। किस में आएगा? अन्य पुरुष में। जैसे मैं कहूँ, जैसे आपका किसी का, आप में से किसी का नाम है मोहन, मेरा नाम है गौरव, ठीक है, तो गौरव मोहन से कह रहा है, क्या कह रहा है कि शिवम के बारे में कह रहा हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति है शिवम, ठीक है, तो शिवम के बारे में कह रहा हूँ कि शिवम कल वहां जा रहा है, कल वहां जा रहा है, मैंने मोहन से कहा, शिवम के बारे में कहा, मोहन से कह रहा हूँ और शिवम के बारे में कह रहा हूँ, दोस्तों ध्यान देना है, मोहन से कह रहा हूँ और शिवम के बारे में कह रहा हूँ, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, किससे? मोहन से, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोहन होगा दोस्तों वह क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। क्या होगा दोस्तों? अन्य पुरुष होगा। और देखो दोस्तों क्या होगा कि वह, मैंने क्या कहा था कि मोहन कल वह, वह वहां जा रहा है, ठीक है, तो वह, तो देखो दोस्तों क्या क्या कौन कौन शब्द आएंगे, वह, वे, क्या दोस्तों? वह, वे, उन्हें, क्या, उन्हें, उन्होंने, उन्हें, उन्होंने, ये और यह, ये सोहन है, क्या, ये सोहन है, किसी से पूछूंगा, पूछेगा कि कोई मेरे से पूछे कि यह कौन है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये सोहन है, क्या है, ये सोहन है, ठीक है, क्या, ये सोहन है। तो क्या हुआ दोस्तों? ये सब क्या थे? पुरुष के प्रकार थे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या अपना,
क्या देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बुआ जी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय से आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, किसी निश्चित, क्या किसी निश्चित। तो दोस्तों देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी वे सर्वनाम शब्द का दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के निश्चित होने का बोध कराते हैं। क्या निश्चित होने का बोध कराते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित होने का, मेन बात क्या है इसमें, निश्चित होने का बोध कराएंगे। किसका निश्चित होने का बोध कराएंगे, तो निश्चयवाचक, निश्चय से ही आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, निश्चयवाचक, निश्चय से क्या समझ आ रहा है, निश्चित, निश्चय, निश्चित। ठीक है, तो निश्चित होने का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें देखो दोस्तों, पास की जो वस्तु होंगी, पास की जो वस्तु होंगी उसके लिए क्या आएगा दोस्तों, जो पास की वस्तु होंगी उसके लिए क्या होगा, यह, ये। क्या आएगा दोस्तों, यह और ये, मैंने आपको बताया था कि जो पास होगा उसके लिए आएगा यह और ये। और जैसे दोस्तों दूर होगा, क्या होगा, दूर होगा, जो दूर की वस्तु होगी, दूर किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान होगा उसके लिए क्या आएगा, वह या वे। क्या, वह और वे। ठीक है, अब दोस्तों देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण। क्या देखते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों उदाहरण में देखेंगे अपना कि जैसे ये मेरा मकान है। क्या, ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है दोस्तों। यह क्या था एग्जांपल, देखो ये कह रहा है, कोई आपसे पूछे कि आपका मकान कौन सा है, या यह मकान किसका है, यह मकान किसका है, तो आप क्या आंसर दोगे उसको, क्या उत्तर दोगे कि ये मेरा मकान है। तो ये मतलब जो पास में ही होगा, जब तो उसने बता दिया होगा ये मेरा मकान है। अगर दूर होता तो क्या कहता, कि वह मेरा मकान है, वह मेरा मकान है। ठीक है, तो ये क्या था यहाँ पे, जो ये था यहाँ पे, यही क्या था दोस्तों, निश्चयवाचक क्या था, सर्वनाम था। क्या था दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम था। क्या ये दूसरा एग्जाम्पल देगा दोस्तों, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि वह मेरी गाड़ी है, वह मेरी गाड़ी है। वह दोस्तों क्या है, वह अगर पास होती तो क्या कहता है, यह मेरी गाड़ी है, क्योंकि वह क्या है, दूर है, तो क्या कह रहा है, वह मेरी गाड़ी है। ठीक है, और कह सकते हैं कि वह कल वहां जा रहा है, वह कल जा रहा है, वह कल जा रहा है, तो वह, तो यहाँ पे वह भी मतलब वह अन्य। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अन्य पुरुष भी होगा, और क्या होगा, वह यहाँ पे अन्य पुरुष भी होगा, और क्या बताएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को भी बताएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं दोस्तों, निश्चय और अनिश्चय में दोस्तों क्या चेंज होता है, निश्चय मतलब जो निश्चित हो, अनिश्चय मतलब जो अनिश्चित हो। तो दोस्तों वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अनिश्चित, क्या के अनिश्चित, मेन बात क्या होगी दोस्तों इसमें, के अनिश्चित होने का बोध कराते हैं। किसका, अनिश्चित होने का बोध कराते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे प्राणी विशेष के लिए शब्द क्या कहलाता है, वो वह है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है।
अनिश्चय वाच्य सर्वनाम कहलाता है। देखो दोस्तों इसमें प्राणी विशेष के लिए क्या आएगा, प्राणी विशेष के लिए आएगा दोस्तों इसमें क्या, कोई, क्या आएगा कोई, और वस्तु विशेष के लिए कुछ, क्या आएगा दोस्तों कुछ, ठीक है कुछ। देखते हैं दोस्तों जैसे उदाहरण, एक एग्जांपल देखते हैं जैसे, ठीक है उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि प्राणी विशेष के लिए कोई, जैसे वहां कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है। दोस्तों यहाँ पे जब आपको दिख रहा होगा कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है कि वहां पे कोई खड़ा है, तो यहाँ पे जो कोई होगा वही क्या होगा, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है क्या कोई, क्यों कि वहां पे क्या कोई खड़ा है, ठीक है। अगर वस्तु की बात होती तो कैसे कहेंगे दोस्तों, देखो कि वह कुछ पुस्तक रखी है, कुछ पुस्तक रखी है, तो दोस्तों इसमें देखो वह कुछ पुस्तक रखी है, यहाँ पे जो कुछ है वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसे, कोई निश्चित नहीं है, अगर देखो वहां पर कोई खड़ा है, अगर आपको पता होता, मैंने शुरुआत में ही बताया था वीडियो के, कि जैसे आपको पता होता कि वहां पर कोई मोहन है सोहन है, आप किसी परिचित हो तो नाम लेके कहते ना कि यह कहते वहां पर कोई खड़ा है, ठीक है। आप उससे परिचित नहीं हो और आपको ये भी पता नहीं कि वहां पर कौन खड़ा है, आप परिचित हो पर ये नहीं पता है कि आपको खड़ा कौन है, ठीक है, मोहन है कि सोहन है कि बंटी है या कोई भी है, ठीक है। अगर आपको पता होता कि वहां पर मोहन खड़ा है तो आप क्या कहते हो, वहां पर मोहन खड़ा है, जो कि आपको पता ही नहीं कि वहां पर कौन खड़ा है, तो यही तो कहोगे कोई खड़ा है। ऐसे इसी प्रकार वह कुछ पुस्तक रखी है, वहां, सॉरी दोस्तों, वहां कुछ पुस्तक रखी है, ठीक है, वहां वहां कुछ पुस्तक रखी है। दोस्तों अगर आपको पता होता, अगर गिनती में होती पुस्तक है, काउंटिंग में होती, तो आप कहते 10 पुस्तक रखी है, 20 पुस्तक रखी है, 4 पुस्तक रखी है, 5 पुस्तक रखी है, क्योंकि आपको पता नहीं कुछ पुस्तक रखी है, इतना पता है क्योंकि पुस्तक का बहुत सारा ढेर है, आपने गिनी नहीं, आपको अनिश्चित है, आपको पता ही नहीं कितना है, तो क्या कहेंगे कि कुछ, ठीक है, क्या कहेंगे कुछ कहेंगे, क्योंकि आपको अनिश्चित है, पता नहीं, निश्चित नहीं है, आपको गिनती में नहीं है कि आप 10 है कि 20 है 50 है 100 है, ठीक है, तो क्या कहें, कुछ पुस्तक रखी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना, किसको देखेंगे नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या देखेंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु, वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के होने का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से ही आपको समझ आएगा प्रश्नवाचक शब्द होंगे, ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द देखो जो कौन से होते हैं, इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, क्या, कब, कहां, कैसे, किसको, किसलिए, कैसे, कब, कहां, किसको, क्या, आदि और भी शब्द हो सकते हैं दोस्तों इस तरीके के, ऐसे शब्द आपको क्या है दिखाई देते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कैसे होगा, तो देखो उदाहरण देखेंगे दोस्तों, तो क्या कहेंगे हम कि वह कौन है, क्या वह कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन है, कोई आपसे, आप किसी से पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो कि वह कौन है, क्या वह कौन है, इस पे ध्यान देना दोस्तों, कौन, वह कौन है आप पूछ रहे हो, आपको नहीं पता कि कौन है तो आप किसी से पूछोगे नहीं पूछोगे, तो वह कौन है, तो आप कौन से ही पता चलेगा कि आप कर रहे हो, उससे प्रश्न कर रहे हो, ठीक है। वह इस पुस्तक को किसको देगा, देखो दोस्तों अब इसमें क्या आएगा दोस्तों, अब आपको इसमें दिख रहा होगा किसको, क्या किसको, मतलब उसको नहीं पता है कि मोहन को देगा,
ठीक है, सुरेश को देगा, महेश को देगा या किसको देगा, तो क्या पूछेगा कि आप इस पुस्तक को, वह इस पुस्तक को किसको देगा, क्या किसको देगा, तो इसमें जो किसको होगा वही क्या होगा दोस्तों, प्रश्नवाचक क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्या होगा दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या होगा दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों, यह क्या था आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका निजवाचक सर्वनाम, क्या देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वे सर्वनाम शब्द कौन से सर्वनाम शब्द दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी कर्ता के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी कर्ता या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी कर्ता, क्या दोस्तों, किसी कर्ता या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, निज मतलब निजी, स्वयं के लिए, खुद के लिए, क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। अब इसमें देखते हैं, इसमें शब्द कौन कौन से आएंगे, क्या दोस्तों, इसमें शब्द देखे हैं दोस्तों, तो स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप, ठीक है, आप, इस तरीके के शब्द दिखाई देंगे। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों, मैं कल खुद वहां जाऊंगा, क्या दोस्तों, मैं कल खुद वहां जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वहां दोस्तों यहाँ पे क्या है, खुद करता, मैं ये क्या है यहाँ पे, करता है, क्या है, करता, ठीक है, क्या है, करता, वो करता खुद के लिए ही कह रहा है, ठीक है। अगर वो कहता है कल, देखो क्या कह रहा है कि करता खुद के लिए कह रहा है, ये तो करता है, मतलब करता क्या होता है, किसी कार्य को करने वाला, ठीक है, तो कर कौन रहा है, करता, करता क्या कह रहा है कि मैं कल खुद जाऊंगा, किसके लिए आया, ये यही करता के लिए आया, मतलब खुद के ही कह रहा है, वो खुद के बारे में बात कर रहा है, तो स्वयं के लिए आया है, तो यह क्या आएगा, खुद, ठीक है, तो वह कल खुद वहां जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मैं अपना काम अपने आप, देखो दोस्तों काम किसका है, अपना काम, मतलब काम किसका है, कर्ता का, ये कौन है, कर्ता, इसी का काम है, और यह खुद ही करने के लिए कह रहा है, खुद ही करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यह किसके लिए आया, अपने आप, खुद करते के लिए आया, कर्ता के लिए आया, खुद के लिए आया, स्वयं के लिए आया, तो क्या होगा, यह निजवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों, क्या, खुद, ठीक है, अपने आप, तो यह क्या दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। अब आपका लास्ट रह जाता है दोस्तों, क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, क्या रह जाता है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम रह जाता है, क्या रह जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। उसे और देख लेते हैं, लास्ट आपका सिक्स नंबर का, संबंधवाचक सर्वनाम। और देखो संबंध का मतलब आपको समझ आ होगा, संबंध दर्शाएगा, ठीक है, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी किसी एक वाक्य का, किसका, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाते हैं, वह शब्द सर्वनाम, संबंध वाक्य सर्वनाम से आता है, वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इसमें शब्द देखो दोस्तों कौन कौन से आएंगे, इसमें शब्द आएगा देखो दोस्तों, जो सो जैसी वैसी,
जिसकी उसकी। ठीक है, जो सो जैसी वैसी जिसकी और उसकी, वही जिसको, क्या वही जिसको। आज सब आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण दोस्तों कैसे लेंगे, उदाहरण देखो, क्या जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब जैसा वह करेगा वैसा वह भरेगा, मतलब वैसा उसको क्या फल मिलेगा, वैसा उसे फल मिलेगा। तो क्या दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा, यह शब्द क्या है, दोनों क्या है, संबंध वाचक। जो का संबंध सो से बता रहा है कि जैसा कर रहा है वैसा भर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ऐसे जैसी करनी वैसी भरनी, यह बहुत फेमस है दोस्तों। क्या जैसी करनी वैसी भरनी, सबने सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है दोस्तों। मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो तीसरा देखते दोस्तों, वही लड़का है जिसको मैंने कल देखा था। ये भी पूरा सेंटेंस है दोस्तों, क्या यह पूरा सेंटेंस है ये, कि यह वही लड़का है, क्या वही लड़का है जिसको, क्या दोस्तों, जिसको मैंने कल देखा था। तो वही का संबंध किसको बता रहा है, जिससे, मतलब वही कौन, उस लड़के की बारे में बात कर रहा है, और जिसको मतलब उसी लड़के के बारे में बात कर रहा है। तो क्या दर्शा रहा है, उस लड़के का संबंध दर्शा रहा है किससे, वही से और जिसको से, ठीक है, किस लड़के का संबंध दर्शा रहा है। तो क्या है दोस्तों, यह संबंध दर्शाता है, मतलब एक वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। यह था क्या दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। यह आपका दोस्तों आज पूरा सर्वनाम टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, खत्म होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको पूरा समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा ज्यादा बात करा से चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पढ़ते रहें दोस्तों, मेहनत खूब करें, अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दें, और दोस्तों गोवा जी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और आपने अपनी पढ़ाई का लाभ उठा सको, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।